संसद के बजट सत्र की शुरुआत जिस तरह हंगामे से हुई वह निराशाजनक है। यह ठीक है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने महंगाई के सवाल को दोनों सदनों में उठाने की बात की थी, लेकिन इसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि लोकसभा में पहला दिन ही हंगामे से दो चार होगा। आखिर महंगाई पर जैसी चर्चा राज्यसभा में हुई वैसी लोकसभा में क्यों नहीं हो सकती थी? शायद विपक्ष महंगाई पर चर्चा करने के बजाय हंगामा करने के लिए अधिक इच्छुक था। उसका जोर इस पर था कि महंगाई पर वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा हो। सरकार ऐसे नियम वाले प्रावधान के तहत चर्चा करने से बचना चाहती थी। महज 41 दिन पुरानी सरकार को वोटिंग वाले नियम के तहत महंगाई पर चर्चा के लिए विवश करने का कोई तुक नजर नहीं आता। वैसे भी चर्चा महत्वपूर्ण होती है, ना कि उसके बाद वोटिंग कराना। वोटिंग वाले प्रावधान के तहत महंगाई पर चर्चा की मांग का तब तो कोई औचित्य बनता था जब सरकार ने साल डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया होता और इस दौरान महंगाई पर होने वाली चर्चाओं से कुछ हासिल नहीं हुआ होता। कांग्रेस को यह अच्छी तरह स्मरण होगा कि उसने सत्ता में रहते समय कितनी बार वोटिंग वाले प्रावधान के तहत महंगाई पर चर्चा कराई। निसंदेह महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और केंद्र सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे प्रयास करे जिससे यदि महंगाई कम नहीं हो सकती तो उसे बढ़ने ना दिया जाए। यह ठीक नहीं कि पिछले कुछ समय से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते दिखाई दिए हैं। हालांकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर चर्चा के दौरान यह भरोसा दिलाया था कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष ऐसे आश्वासनों पर संतुष्ट होगा। कारा महंगाई अथवा अन्य मुद्दों पर विपक्ष को विरोध के लिए विरोध के रवैये का परित्याग करना होगा। निसंदेह सत्ता पक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह विपक्ष को संतुष्ट करे। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा में उसके पास पर्याप्त से अधिक बहुमत है, लेकिन उसके संसद और देश के हित में यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल कायम हो। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछली लोकसभा का अनुभव बहुत ही खराब रहा। 15वीं लोकसभा जिस तरह लगातार हंगामे से दो चार होती रही, उससे राजनीतिक दलों के साथ साथ संसद की गरिमा भी प्रभावित हुई है। जिस तरह यह अपेक्षित है कि भाजपा बदले हुए रुख रवैये का परिचय दे, उसी तरह विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह बात बात पर हंगामा करने से बचे। 16वीं लोकसभा के इस
पहले बजट सत्र पर